हाँ जी, स्वागत है थोड़ा सारे ना साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट से। सो अज की अपडेट थोड़े नाल शेयर करन जा रहे हैं, जो पंजाब PSSSV क्लर्क दियां जो वैकेंसी आउट हुई ने। सो ये अलग अलग जो नोटिफिकेशन है आउट हुए हैं। सो ये कौन कौन अपलाई कर सकता है, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, विद्यक योग्यता, उम्र हद, टाइपिंग किहड़े फॉन्ट दे विच मंगी गई है। सो पूरी जानकारी तुहाडे नाल इस वीडियो दे विच शेयर करांगे। सो चैनल को सबसक्राइब तो बैल आइकॉन नाल ते प्रेस जरूर कर लियो, ताकि तुहानू हर एक अपडेट समय सिर मिलती रहे। तो शेयर करते हैं जी इन्हां पोस्टां नाल संबंधित पूरी जानकारी। तो पहला नोटिफिकेशन 17 नंबर तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो इश्तिहार जिहड़ा उह जारी होया 23/10/2021 नूं। ऑनलाइन प्रोसैस स्टार्ट है जिहड़ा फार्म भरन दा, वह 23/10/2021 है। आखिरी मिति है जिहड़ी 18/11/2021 शाम के 5 बजे तक है। अते फीस भरन की जी आखिरी मिति है इन्हां पोस्टां ते 23/11/2021 है जी, वह दिती गई है। सो जान पहचान दे विच इन्हें डिटेल दिती गई है। वख-वख विभागों तों प्राप्त मंग पत्र असामियां दा वर्गीकरण अते प्राप्त नियमां दे अनुसार ग्रुप सी दीआं क्लर्क दीआं 2374 असामियां जिहड़े भर लई बोर्ड की वैबसाइट, तो यह वैबसाइट है SSSV.punjab.gov.in। सो इस ते ये सारी अपडेट दिंदे है 23/10/2021 तो लैके 18/11/2021 शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन तुसीं अपलाई है जिहड़ा कर सकते हो। अगे कैटेगरी वाइज इहदे विच इन्हां ने वंड है जिहड़ी उह दित्ती हुई है, सो काफ़ी बरीकी दे विच दित्ती हुई है। सो ये सारा नोटिफिकेशन तुहानू टैलीग्राम ग्रुप दे विच प्रोवाइड करा देंगे। ये PDF फाइल क्योंकि बरीक है तुहानू समझ नहीं आएगा, अते जिस तों अलावा जिहड़ी वीडियो आ उह लौंग हो जाएगी। सो आदर जिहड़ी जानकारी है इन्हां नाल संबंधित वो तुहानू दे दिंदे आ, तुहाडे नाल शेयर है जिहड़ा कर दिंदे आ। सो इन्हां दा जिहड़ा असामियां दा वर्गीकरण दा वंड है वह वक्खरा ही है, ज़्यादा बॉक्सां दे विच वरीकी दे नाल इन्हां ने जिहड़ा मैनशन है वह किया होया, इस करके ज़्यादा इन्हां दे विच टाइम लगेगा। सो ये सारा नोटिफिकेशन तुहानू टैलीग्राम ग्रुप दे विच प्रोवाइड कर देंगे, अते जो बाकी दी जानकारी है वह तुहानू असीं दे दिंदे आ। सो आ कैटेगरी कोड ने अपलाई दे, सो ये जिस भी कोल तुसी जाके अपलाई करोगे, सो उन्हां नूं पता हुंदा जिहड़ी तुहाडी कास्ट है। अगर तुसी खुद अपलाई करदे हो तो ये सारे कोड तुसी स्क्रीनशॉट ले लियो वीडियो नूं स्टॉप करके। इस तों अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब नाल इन्हां ने श्रेणी कोड ने जिहड़े वह दिते हुए ने। सो 5वें नंबर ते तनखा स्केल है जिहड़ी इन्हां ने मैनशन की हुई है। सो ये बाद दी गल हुंदी है, फिलहाल जॉइनिंग तक मतलब है जॉइनिंग हो जाओ तुसी पहलां नौकरी मिल जाए। सो तनखा जो मिलनी है जिनी मिलनी है वह तय होंगी है। सो विद्यक योग्यता जो मेन है आप गल करते हैं ये, सो ये है जिहड़ा बैचुलर डिग्री तुहाडे कोल है जिहड़ी होनी चाहिए है। इस तों अलावा 120 हावर्स कोर्स तुहाडा कंप्यूटर का जिहड़ा होना चाहिए, नाल इन्होंने एक्सपीरियंस की जिहड़ी गल की है, यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड या फिर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप बारे तो इनफॉर्मेशन होनी चाहिए है। ISO तो प्राप्त है जिहड़ा होना चाहिए है, सर्टिफिकेट तुहाडा जिहड़ा सर्टिफाइड होना चाहिए। सो 120 घंटे का नाल कंप्यूटर इन्होंने मंगया, बैचुलर डिग्री तुहाडे कोल होनी चाहिए है। सो वो ये पोस्टां लई अपलाई कर सकते हैं, या फिर तुहाडे कोल है जो कंप्यूटर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए, या फिर इस दे बराबर दी योग्यता दा तुहाडे कोल एक कोर्स ऐड कीता होना वो जरूरी है। सो टाइपिंग की गल करिए, रावी फॉन्ट दे विच तुहाडे इहदे विच टाइपिंग है जिहड़ी होएगी, सो पंजाबी दी भी होएगी, इंग्लिश दी भी जिहड़ी होएगी टाइपिंग जिहड़ी तुहाडी होएगी। इस तों अलावा स्पीड की गल करिए, 30 वर्ड्स आ जिहड़े पर मिनट इहदे विच मंगे गए है। सो टाइपिंग वास्ते पंजाबी है, इंग्लिश है, फॉन्ट है जिहड़ा वह रावी है, इहदे विच तुहाडी जिहड़ी टाइपिंग है जिहड़ी होएगी। इस तों अलावा 10वीं दे विच पंजाबी सबजैक्ट जिहड़ा तुहाडा पास कीता होना लाजमी है। सो उम्र सीमा की गल करिए, उम्र सीमा जिहड़ी इहदे विच 18 तो लैके 37 साल तक जनरल कास्ट वास्ते है, बाकी एज रिलैक्सेशन है जिहड़ी वह मिलेगी। पंजाब राज दे जो अनुसूचित जाति ते पछड़ी श्रेणी के वसनीक ने, तो वध तों वध उन्हां लई उम्र है जिहड़ी 42 साल दी दे विच रखी गई है,
बाकी जिस भी कास्ट नूं छोट दिती जांदी है सरकार दे रूल दे हिसाब नाल उहनां नूं इहदे विच छोट है जिहड़ी उह दिती जाएगी। सो 18 तों 37 एज जनरल कास्ट दी है। अगे मेन गल जिहड़ी फीस दी है, आम वर्ग यानी कि जनरल वर्ग, स्वतंत्रता संग्रामी अते खिडारी इहनां लई 1000 रुपया फीस है। SC BC आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग EWS इन्हां लई 250 रुपया फीस है। साबका फौजी आश्रित इन्हां लई 200 रुपया फीस है। दिव्यंजन जो हैंडीकैप्ट ने इन्हां लई 500 रुपया फीस है जिहड़ी इहदे विच रखी गई है। अते एक बार जो तुसीं फीस अदा कीती है अते किसी भी स्थिति विच वापस है जिहड़ी उह नहीं कीती जाएगी, ये स्पैशल इन्हां ने इहदे विच नोट है जिहड़ा लिखिया। सो अगला इश्तिहार तुहाडे नाल जारी करदे हां। सो इश्तिहार नंबर ये 18 अते असामी इहदे विच 212 ने अते इश्तिहार जिहड़ा प्रकाशित होया 23/10/2021 नूं, ऑनलाइन अपलाई जिहड़ा 23/10/21 नूं है, एक दो दिन बाद स्टार्ट हो जांदा है, प्रोसैस अधीन रहिंदा है ऑनलाइन, अते आखिरी मिति है जिहड़ी उह 15/11/2021 शाम दे 5 बजे तक है, अते फीस भरन दी जिहड़ी आखिरी मिति है उह 18/11/2021 इहदे विच रखी गई है। ये इश्तिहार नंबर 18 है। सो इहदे विच कलर्क IT दियां 212 असामियां दे लई ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिहड़ी मंगी गई है 15/11/2021 शाम दे 5 बजे तक। सो SSB.punjab.government.in ये इन्हां दी जिहड़ी साइट है, तो इस ते तुसीं नोटिफिकेशन भी चैक कर सकदे हो। सो तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच ये तीनों PDF जिहड़े असीं प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी असामियां दी वंड है जो बरीकीदार है तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच मिल जाणगीयां। इस तो अलावा होर जिहड़ी इहदे नाल डिटेल है वो तो मैनशन कर दिंदे आ। सो कैटेगरी कोड सेम ही रहेंगे, सो ये कैफे वाले नूं पता हुंदा है, अगर तुसी अपने कोल खुद तुसी अपलाई करोगे पोस्टां दा स्क्रीनशॉट लैके रख सकदे हो। सो तनखा स्केल आ गई, सो ये भी बाद दी गल हुंदी है, सो फिलहाल ज्वाइनिंग तक मतलब हुंदा है। सो विद्यक योग्यता जरूरी है, इहदे विच चेंज है, विद्यक योग्यता पहलां वालियां पोस्टां दे विच जिहड़ी ग्रेजुएशन है जिहड़ी उह मंगी गई सी। सो इहदे विच क्वालिफिकेशन है जिहड़ी BTech इन कंप्यूटर साइंस जां फिर BSc इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जां फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जां फिर ग्रेजुएट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दे विच तुहाडा यूनिवर्सिटी तो जां फिर किसी मानता प्राप्त संस्था तो होना चाहिए। इस तो बाद जिहड़ा तुहाडा टाइपिंग टैसट है पंजाबी दा इंग्लिश दा वो सेम है, रावी फोंट दे विच होएगा, 30 वर्ड्स पर मिनट है जिहड़ा वो ये लिया जाएगा। सो उमर सीमा ये पहला ही तरह सेम है, जनरल कास्ट 18-37 है, बाकी जो आदर उम्मीदवार ने पछड़ी श्रेणी है अनुसूचित जाति है तो वध तो वध उमर सीमा इन्हें 42 साल रखी गई है। बाकी राज अते केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी की उपरली सीमा अते छोट है जिहड़ी इहदे विच 45 साल की दी गई है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है जिन्हों भी जिस कास्ट के हिसाब न मिलती है वो दे जिहड़ी सरकार दे रूल दे हिसाब नाल दित्ती जाएगी। सो फीसां दी गल करिए, आम वर्ग स्वतंत्रता संग्रामी खिडारी इन्हां लई 1000 रुपया फीस है। SC BC EWS लई 250 रुपये है। साबका फौजी अते आश्रित इन्हां लई 200 रुपये है। दिव्यांगजन इन्हां लई 500 रुपया फीस है जिहड़ी इहदे विच रखी गई है। सो चोण प्रक्रिया दा प्रोसैस है जिहड़ा उह भी तुहाडा सेम होएगा। सो इहदे विच जिहड़ा कलर्क IT दीआं असामियां लई जो अप्लाई करनगे उन्हां दा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस MCQ जिन्हों कहने आ लिखती प्रीख्या ले जाएगी। इहदे विच हर एक कैटेगरी के उम्मीदवार लई पास होने लई घट्टो घट 40% अंक प्राप्त करने जरूरी होणगे। सो जो इस एग्जाम नूं पास करेगा तो उहदे विच उम्मीदवारां दा अंग्रेजी अते पंजाबी दे विच 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड नाल जिहड़ा टाइप टैसट है जिहड़ा लिया जाएगा। अंग्रेजी अते पंजाबी दा टाइप टैसट है जिहड़ा कंप्यूटर ते लिया जाएगा। पंजाबी दा टाइप टैसट है जिहड़ा रावी फोंट दे विच लिया जाएगा। अंग्रेजी अते पंजाबी दा जिहड़ा टाइप टैसट केवल क्वालीफाइंग दा होवेगा। सो ये क्वालीफाई करना लाजमी होएगा। कॉमन मैरिट लिस्ट टाइप टैसट पास उम्मीदवार होणगे जो उन्हें लिखती प्रीख्या विच प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट है जिहड़ी उन्हां दी तैयार की जाएगी। टाइप टैसट पास उम्मीदवारों विचों कुल असामियों तो 3 गुणा जां समर्थ अथॉरिटी के फैसले अनुसार निर्धारित गिनती विच उम्मीदवारों नूं काउंसलिंग लई बुलाया जाएगा। तो अगला इश्तिहार नंबर 19 है। सो 3 इश्तिहार जारी हुए हैं 17, 18 अते 19 अते लास्ट है।
ਸੋ 23 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ 23 ਨੂੰ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 15/11/2021 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ 18/11/2021 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਦੀਆਂ ਉਹ 203 ਵਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, 15/11/2021 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ PDF ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਕੈਂਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ BCOM ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ISO ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਂਟ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BTECH ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।